हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? बाद में फोन कर यार, एक मिनट एक मिनट। Come on!
धरने को इस योजना को जो संसद की तरफ कूच करने की जो योजना है उसको विफल किया जा सके। आप अपने स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिल्ली के जनता की। मैडम हम पीछे ही हैं, जब आगे शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरह की अप्रिय घटना को ना करें ना होने। साक्षी मलिक अभी ये कह रही थी कि उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनको मारा गया है, उनके साथ अभद्रता की गई है। काफी भावुक हो गई थी साक्षी मलिक की ये बात बताते हुए, और उनके सहयोगी भी बता रहे हैं कि नाखूनों के निशान उनके हाथों पर हैं, चोट लगी है और उनके कपड़े फटे हैं, इसलिए साक्षी मलिक फिलहाल ज्यादा बात नहीं कर सकती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पहलवानों के विरोध प्रदर्शन की, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जंतर मंतर से उठकर नई संसद की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने पहले से ही साफ कर दिया था कि ऐसे किसी भी प्रयास का को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, और वही देखने को भी मिल रहा है। साक्षी मलिक को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, हिरासत में लेने की कोशिश की गई, मत कीजिएगा, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद चलिए आपको सुनाते हैं इस बारे में पहलवानों का क्या कहना है जो कि धरनारत पहलवान है। पीछे 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 भाई, पीछे पीछे पीछे, यो हाथ
पुलिस कह रही है हमें इजाजत नहीं दी गई। हमने उनको लेटर दिया है, का लेटर हमने दिया है। परमिशन अगर नहीं दे रहे हम नागरिक हम भी रोड पर चल सकते हैं। हम अपनी पहले की बेटियों की सुपर मान सम्मान हम उनके लिए इन बेटियों को इन बहनों को न्याय दे दीजिए। अपराधी को तो खुला छोड़ा जा रहा है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये लेकिन आप करके शांति पूरा करेंगे। एक मिनट रुकिए, कौन सा बैरिकेड तोड़ा है, चल के देखिए। हम उनके पूछ गए हैं, पुलिस प्रशासन जबरदस्ती बैरिकेड लगा रहा था। कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग, कहाँ जाना चाहते हैं आप बताइए ना। क्या नाम इमंडिया देश की संसद के सामने हमारी पंचायत है, महिला सम्मान महापंचायत। हमारे लोग अभी नहीं आने दिए जा रहे, हमें जेल में डाल दिया गया है। प्रदर्शन तो पार्लियामेंट में बैठा है और हम यहाँ जेल में बैठे हैं। बोल बोली नहीं रहे, पार्लियामेंट आपको लगता है प्रोटेस्ट की सही जगह है? हमने हाथ सम्मान करते हैं ओलंपिक मैच इसकी सांसद हमारे देश में बहुत है, हमारे देश में सांसद बहुत है। ओलंपिक मैच लिस्ट में पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कितने लोग हैं? क्या पुलिस को साक्षी ने उठा लिया है? साक्षी को उठा लिया है पुलिस प्रशासन ने, डिटेन कर लिया साक्षी। ऊपर से उसको पद्मश्री भी दे रखा है, पद्मश्री की भी गरिमानी रखी लोगों ने, गरिमानी रखी। जो मेडल मिले हैं, जो मेडल मिले, जो अवार्ड मिले, गरिमानी कुछ बोलेंगी आपने सुनी जो कि ये कह रहे थे कि इस देश के संसद में जब ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर इतना गंभीर आरोप लगा है वो बैठ सकते हैं, तो पहलवान जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, जिनको पद्मश्री तक दिया गया है, वो उसके सामने अपनी बात रखने के लिए क्यों नहीं जा सकते? साथ ही में बजरंग पुनिया और विनेश दोनों साक्षी मलिक को डिटेन करने के पर भी अपना विरोध जता रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से साक्षी को जबरन दिल्ली पुलिस ने उठाया है। विनेश फोगट और बजरंग पुनिया मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली के जंतर मंतर से और अपनी बात रख रहे हैं। उनकी बातें अभी आपने सुनी कि कैसे उनके मन में गुस्सा है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जिस तरह से सीधे कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद, उस पर गुस्सा है। और अब वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी जगह से उठकर संसद के सामने जाने की कोशिश की तो उनके साथ अभद्रता की गई। बजरंग पुनिया साफ कह रहे थे कि कोई बैरिकेडिंग पहलवानों की तरफ से नहीं तोड़ा गया है, हालांकि वो उन्होंने यह जरूर कहा कि वो बैरिकेडिंग के ऊपर से आए हैं, तोड़ा नहीं है उन्होंने, बट टेक्निकली शायद उसी को तोड़ना कहते हैं, बट
ये कहते हैं, लिटरली तोड़ा नहीं है किसी बैरिकेडिंग को। और साथ ही इन्होंने एक सवाल उठाया कि किसी परमिशन की जरूरत क्यों है देश के नागरिक को, देश के संसद के सामने जाने के लिए हर नागरिक का अधिकार है चलने का। तो ये आपने पहलवानों की बात सुनी। दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर वो नई संसद के अंदर के दृश्य देख रहे हैं जो आज राष्ट्र को समर्पित कर दी गई। ये लोकसभा का अंदर का एरियल व्यू है। 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था, हर सीट पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन डिवाइस लगे हैं। यहाँ से सांसद देश के लिए कानून बनाएंगे, संसद देश के लिए कानून बनाएगी, लेकिन उसी देश के वो पहलवान जिन्होंने उस देश को बोलने को बोला वो गुस्से में है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगट इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मीडिया से मुखातिब हैं। हालांकि इतनी आपाधापी है कि वो बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पर जितनी उनकी बात समझ में आई उससे ये साफ है कि उनके मन में गुस्सा इस समय चरम पर है, उनके धैर्य का बांध टूट चुका है और वो हर हाल में ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। इस बीच पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर से हिरासत में लिया जा रहा है ताकि वो अपना जो संसद की तरफ कूच करने का जो फैसला है, अपना जो कार्यक्रम है, उसको अंजाम तक ना पहुंचा सके। अपने स्क्रीन पर आप इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक नई संसद का जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, और दूसरी तरफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को जिनको अब हिरासत में लिया जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से। दूसरे स्क्रीन के अपने दूसरे हिस्से पे आप वो दृश्य देख रहे हैं। खापो ने भी नई संसद की तरफ आने का और संसद के बाहर पहलवानों के साथ एक पंचायत लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस से चप्पे चप्पे पर मौजूद है कि किस तरह कोई भी खाप के सदस्य दिल्ली में एंटर ही ना कर सके। और जंतर मंतर पर जो पहलवान धरने पहले तो विधि विधान के साथ यहाँ पर पहले जो पहलवान बैठे हुए थे उनको बैरिकेड करके उसी तरफ जगह रोकने की कोशिश की गई, जब वो नहीं माने तो एक एक करके उन्हें हिरासत में लेने का काम चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। साक्षी मलिक वो दिल्ली पुलिस के हिरासत में जा चुकी है। इस बीच स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंच रहे हैं, तमाम सांसद वहां मौजूद हैं, साथ में पीएम मोदी के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद हैं। संसद के नए भवन का लोकार्पण का ये दूसरा चरण, पहला चरण सुबह 7:30 बजे जब विधि विधान के साथ पूजा हुआ और सभी ने प्रधानमंत्री मोदी ने राजदंड सेंगोल को स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया। दूसरा चरण ये जब प्रधानमंत्री सांसदों और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दूसरे गणमान्य अतिथियों के बीच संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी हमें काफी समय बाद दिखाई दे रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, निर्मला सीतारमण,